बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी जिंदगी की एक बताई सत्य घटना जिसे सुनने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी जिंदगी की एक सत्य घटना बताते हैं। जब हमें पहली बार अपने बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन हुआ था सन्यासी बाबा का, जहां हम बागेश्वर धाम पर रहते ना, मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव है गढ़ा। गढ़ा गांव के स्वयंभू हनुमान जी हैं बागेश्वर हनुमान जी, जिनका तुम चित्र देखते हो, ये लगा ना, ये वाला, ये स्वयंभू हनुमान जी धरती से प्रकट हुए। हमारे दादा गुरु जी, ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये हमारे दादा गुरु जी, इन्होंने तपस्या की। इनके गुरु जी सन्यासी बाबा, जिनके बल पर हम ललकार कर बोलते हैं, देखो जिसका गुरु बलवान होता ना, चेला पहलवान होता। हम आपको जीवन की, भगवान कितने दयालु होते हैं हम आपको बताते हैं। हम जहां बागेश्वर धाम पर रहते हैं ना, वहीं पर पहले कोई निवास स्थान नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। एक कमरा बना था कच्चा सा, छत डला था पर छाप नहीं थी। जब पहली बार यज्ञ हुई, दूसरी बार यज्ञ हुई, गांव के आसपास के लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए, खूब अब्बड़ जन आए, खूब लोग आए, बहुत लोग आए, अब्बड़ जन आए उसमें यज्ञ में। कथा सुनी, बालाजी के दर्शन किए, यज्ञ की लोगों ने परिक्रमा की। हमारे जेब में तो राम जी के मनी राम रहता ही नहीं, क्योंकि हमारा आदत बहुत अच्छा है, जितना हमें, एक तो हम दक्षिणा लेते नहीं है, काऊ से मांगते नहीं, और कोई दे जाए गुरुजी ये आपके खर्चा के लिए, हमारी तरफ से। बच्चे हैं ना, कोई किसी नौकरी में लगा, कोई किसी में, लोग हमसे कहते गुरुजी आप बढ़िया वाला अकाउंट खुलवाइएगा, हमने कहा हमारा चलता फिरता अकाउंट है, हमारे बागेश्वर धाम के पागल ही हमारा बैंक बैलेंस है। तो लोग कहते, तो जो बच्चे दे जाते, हमारी एक बड़ी प्यारी आदत है, जितना जेब में रहता उसका डबल खर्चा करते, डबल। इसमें आनंद ये है कि अभिमान नहीं आता है, आनंद ये है कि जो जेब में है वो कहीं चोरी ना हो जाए, ये डर नहीं रहता। हाँ, तो यज्ञ में, यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रथम यज्ञ में बूंदी का प्रसाद बांटा, दूसरी वाली यज्ञ में हमने बजरंगबली से, हमने अपने बालाजी से प्रार्थना की, बालाजी यज्ञ होनी है, आप कृपा कर देना, और रुपया तो जेब में दो नहीं। यज्ञ ठन गई बड़ी, 18 पुराण, खूब बड़ा आयोजन। तो दो चार बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना, वो परिचित थे, हमने एक सेठ को बुलाया, हमने कहा भैया श्रीमान जी कुछ सामग्री आप दे दो और हम फिर चुका लें। सामग्री 3-4 लाख रुपए की हमने उधार ले ली। और जब वो शाम को आया, गुरुजी कब दोगे, हमने कहा देखो अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो यज्ञ तुम्हारी तरफ से हो गई। बेचारे का दिमाग खराब हो गया, इतना सा मुंह रह गया, बोले तो बोले क्या, गुरुजी ठहरे हम, तो बेचारा चुपचाप चला गया। बोले जैसी कृपा, हमने कहा ऐसी कृपा है, कौन सा हमें अपने बच्चों को खिलाना है, भंडारा करवाना है, तुम्हारी तरफ से हो गया। गुरु जी इतनी श्रद्धा नहीं है हमारी, हमका बढ़ाओ, नहीं है श्रद्धा बनाओ, साधु का काम ही है श्रद्धा बनवाना, यही, इसीलिए तो हमने उधार लिया। बेचारा टेंशन में चला गया। फिर हमने उसको समझाया, कोई चिंता तुम परेशान ना हो, चुकाएंगे। यज्ञ के 7 दिन बीत गए, गांव के लोग आए, गांव के लोग आकर बोले गुरु जी बाकी भंडारा तो खूब हुआ, इस बार पूरी सब्जी का भंडारा करवाना है। अपने राम जी पहले ही से उधारी में जी रहे, अब पूरी सब्जी के चक्कर में और मनी राम चाहिए, मनी राम तो राम जी के पास आए ना। हमने हाँ फिलो फिलो होता ना, जो जोश जोश में कह दिया ठीक है हो जाएगा। अब फिर सेठ को बुलाया, हमने कहा सेठ जी कुछ सामान चाहिए। सेठ जी बोला महाराज 4 लाख की पहली रसीद कट गई, अब क्या चाहिए। हमने कहा नहीं कुछ आया है तो कुछ लो, पूरी सब्जी बननी है तो कुछ रिफाइंड और आटा की व्यवस्था आप करो, सब्जी की हम करेंगे।
वो बड़े सज्जन भाव के सेठ जी थे, उन्होंने सामग्री दे दी। आठवें दिन भंडारा बनना तैयार होने लगा, नौ दिन की यज्ञ थी, नौवें दिन भंडारा होना था और लगभग 40 ब्राह्मण बाहर से आए हुए थे बनारस आदि क्षेत्र से, उनको दक्षिणा देनी थी। हमारे पास जो दक्षिणा थी वो हमने सेठ जी को दे दी। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा, महाराज जी बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा एक रुपया नहीं बचा जेब में। अब मन में बड़ी परेशानी कि जोश में हां तो कह दिया, अब व्यवस्था कैसे होगी? उधार किसी से मंगाने की हमारी आदत नहीं थी। बड़े भाव पूर्वक, अच्छा कई बार बड़ी विचित्रता होती है, हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि कल क्या होगा, कल रुपया कहां से आएगा। अर्जी में तो लिख के आ ही जाएगा कि कहां से व्यवस्था होगी, सुभाड़ में गया तो टेंशन भी हो जाए। लेकिन भैया जैसे ही पेन कागज उठाया, सोई वाईफाई के सिग्नल गाया, ये बोले ना, जो भीतर अर्जी लगती है, मन में जो प्रेरणा लगती है, प्रेरणा बंद। हमने कहा और बढ़िया, एक तो मनीराम नहीं, ऊपर से तुम बोल नहीं रहे, हे बजरंग बोलो तो संतुष्टि तो हो जाए कि व्यवस्था बनेगी कि उधार मंगाना है, और नहीं मिलना हो तो हम ब्राह्मणों के पहले ही जाके चरण पकड़ लेंगे, क्षमा करना हमारी नाक बचा लो, जब आ जाएंगे चुका लेंगे। लेकिन न बोले न व्यवस्था। कब रात हो गई पता ही नहीं लगा, टेंशन में। चित्रकूट की रामलीला आई थी उस वक्त, चित्रकूट से 2 बजे रात तक रामलीला चलती थी। गर्मियों का दिन, जून का महीना था, मई जून का महीना, तो साहब रामलीला देखने गांव के आसपास के लोग, हजारों लोग आवे, हमारे तो टेंशन में कल की चिंता भरी। रामलीला देख करके जब सब लोग चले गए, 2:30 बजे बार बार हमारी आंखों में आंसू आवे और रोबो आवे, रोना आवे, बार बार हमारे नैन भरे कि हे बालाजी कल लाज बचा ले, हमारी हंसी मत करवाना, अगर ना व्यवस्था बन पाए तो आप हमें मन में प्रेरणा दे दो, हम ब्राह्मणों के चरण पकड़कर क्षमा मांग लेंगे, बाद में चुका देंगे, लेकिन हमारी लाज रख लेना। हमें अपनी लाज का भय नहीं है, यज्ञ में अगर ये विध्वंस हो गया, किसी ने कहा कि रुपया नहीं है और किसी ने अगर 2 बातें सुना दी तो आपकी लाज चली जाएगी, क्योंकि हमारी नाक तो आपकी नाक से हमारी नाक बची, और हमें कोई चिंता नहीं, खूब आंखों में आंसू, बार बार हम आंसू पहुंचे, रात का समय, अर्जी लगे ना, सामने में मटकों में पानी भरा रखा था। आप लोगों में से कोई बागेश्वर धाम गया होगा तो बागेश्वर धाम के मंदिर के सामने पेड़ बहुत है, वृक्ष, तो सामने मटकों में पानी भरा था, गर्मियों का दिन, हमने एक मटका उठाया और जो कपड़ा जो पहने थे वैसे ही डाल करके नहा लिया। एक हेडपंप था, हेडपंप से हमने नया शुद्ध जल भरा और सोचा कि जाते हैं जल चढ़ाएंगे, शायद कुछ बोल जाए या उधार उठाने को कह दे तो हम उठा ले। था तो बचपना, हटीला स्वभाव है हमारा, जो हट ठान लेते सो ठान लेते हैं, हटीला स्वभाव है। हाथ में वो जल का मटका लिया, पूरा शरीर एकदम गीला, रात के 2:30 बजे होंगे, बार बार आंखों में आंसू आवे कि हमारी लाज ना जावे, आपकी लाज बच जावे। सुबह नहीं तो लोग हंसी करेंगे कि बड़े यज्ञ वाले बने थे, बड़े हनुमान जी के साधक बने थे, बड़े चमत्कारी बने थे, लोग ने करे आओ चमत्कार, दुनिया भर को भविष्य बता रहे, खुद को नहीं बता पाए, दुनिया भर के पर्चा बनाते हैं, खुद का पर्चा फेल हो गया, ऐसा लोग कहेंगे, हंसी हो जाएगी। तो हाथ में मटका लेकर के हम मंदिर की तरफ बढ़े, सत्य घटना बता रहे हैं आप, सीढ़ियां चढ़े। आप लोगों में से कोई बागेश्वर बालाजी का मंदिर गए हो तो सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां थी उस वक्त,
हम 5-6 सीढ़ी ही चढ़े, 2 सीढ़ी रुक गईं और उसी समय मंदिर से बड़ी जोर के साथ, गर्जना के साथ की आवाज आई। सोई हमारे रोंगटे खड़े हो गए और झरझर करके शरीर हमारा कांपने लगा। बड़ी जोर से जो शंकर जी का बागेश्वर महादेव का मंदिर है, गर्जना गूंजती हुई आवाज आई, जा चिंता मत कर, प्रातः काल तेरी व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहते ही हमारी आंखों से झरझर आंसू बह गए और भूख खूब डर लग गया। पहली बार इतनी तेज गर्जना, आज भी हमारे कान में वो आवाज, वो हुंकार की आज भी भरी, तो वो एकदम शरीर कांप गया, एकदम शरीर हम कपने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, एकदम शरीर को हम लौंचने लगे और हमने कहा, कौन? हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बोल रहे हैं क्या? तो थोड़ी देर तो कोई आवाज नहीं आई और फिर मंदिर से आई, सोई मन गदगद हो गया। अब तो बड़े शरीर नाच गया, हाथ में मटका लिया, जाकर जल चढ़ाया और वो दिव्य स्वरूप आज भी हमारी आंखों में बसा। मोटी खड़ाऊ, एकदम गोल सुंदर चेहरा और हाथ में 5-6 फुट का लंबा चमीटा लिए हुए, एकदम गोर बदन के खड़े हुए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव भगवान के दर्शन। मारे खुशी के खूब नचे हम, एन जोर से जय जयकार लगा के। जो नीचे शिष्य मंडल सो रहा था वो जाग गया। क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, बताने योग्य बात नहीं है। अब जल की कौन पूछे, मटका वहीं छूट गया। मारे खुशी के मटका छूटा, कपड़े गीले ही आए और कमरा बंद करके हम इतने नचे कि तखत पर खूब कूदे गए। वाह, अब बोल गए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कल की व्यवस्था हो गई। 3:30-4 बजे कब हम सो गए पता ही नहीं, ऐसे ही गीले। सुबह हुई नॉर्मल, दिन जैसे रोज होता था वैसी आज की सुबह, कोई नई बात नहीं। प्रातः काल स्नान फिर किया, वस्त्र पहने, उस कमरे के सामने में ही हमारी बैठक लगती थी जहां लोगों के हम दर्शन करते थे, वार्ता करते थे, बात करते थे, दरबार की चर्चा करते थे। ये आपको बहुत पुरानी चर्चा बता रहे हैं। हम कपड़े पहन करके सामने जाकर बैठ गए, जैसे आप लोग बैठे ऐसे ही लगभग 1,500 लोग बैठे थे। पंडित जी लोग थे, हवन चल रहा था, भंडारा शुरू होने वाला था, ब्राह्मणों को जाना था, बार बार आयोजन मंडल कहे गुरुजी लिफाफा बन गए। हमने कहा बन गए, झूठ बोल दिया, बन गए। हमें तो भरोसा था कि गुरुजी ने कह दिया, अब उसमें कोई भी किंतु परंतु होने वाला नहीं है। साधु जी आपको बताएं, एक सफेद शर्ट पहने, काला पैंट पहने एक सज्जन बेलोरो गाड़ी से आते हैं। गाड़ी हमारे सामने रुकती है, नई गाड़ी, अब उससे उतर कर बैठते हैं। लोग बैठे तो सबसे हम बात कर रहे थे, भंडारा तैयार हुआ कि नहीं। वो सज्जन आए, हमने पूछा कहां से आए, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में झांसी से आए। हमने कहा बाप, हमने कहा भंडारा पा लीजिए। बोले गुरुजी कुछ यज्ञ के लिए सेवा करनी है। हमने कहा सामने कार्यालय है, तिवारी जी है, वहां पर हमारे एक सेवादार थे विजय तिवारी जी। हमने कहा उनको जाकर आप दे दीजिए, रसीद ले लीजिए। बोले नहीं, आपको देना चाहते, आपकी कृपा से हमारा भाई जेल से निकल आया। अब हमें कहा ध्यान, ऐसो आशीर्वाद तो हम रोज बांटे, ध्यान तो रहता नहीं। हमने कहा हो गया होगा, श्री हनुमान जी बड़े लीलाधर हैं, गुरु जी ने इन पे कृपा कर दी होगी। हमने कहा धन्यवाद। उसने एक बैग रखा, हमने कहा भंडारा पालो। बोले नहीं गुरु जी, क्षमा करो, जाना। आंखों देखते ही देखते वो सज्जन बलोरो लेकर चले गए। हम तो नॉर्मल की भांति, हमें ये भरोसा था कि कोई आदमी आएगा और कहेगा कि गुरु जी आप दक्षिणा बताओ, कोई सेवा तो नहीं करनी है। हम तो इस भरोसे में थे, गुरुजी ने कहा है सन्यासी बाबा ने तो आएगा, ये तय है। हमें क्या पता कि उल्टा होना है।
वो बैग लेकर के तिवारी जी और हम कमरे में गए। तिवारी जी बाहर निकल गए। जब हमने बैग को, काला बैग को खोला, उसमें एक चिट्ठी लाल पेन की लिखी, आज भी हम रखे हुए सुरक्षित। उसमें लिखा था सादर जय सियाराम। और भगवान की ऐसी कृपा कि बैग में हमें जितने दक्षिणा की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा उसमें हजार हजार के नोट हमको प्राप्त भए। ये आपको हम अपने जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं। कौन है, कहाँ का है, आज तक वो सज्जन हमें लौट को नहीं मिले। लेकिन भैया, जिसका गुरु वचनों पर करने के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके अवश्य आते हैं। ये भगवान की साक्षात कृपा। और हम तो यही कहते हैं तो वो सज्जन कोई साधारण मानव नहीं, हमारे श्री बागेश्वर बालाजी ही कोई ना कोई रूप धारण करके आए। ऐसी लीला कलयुग में श्री हनुमान जी की है।